हेलो क्राफ्टर, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट। इसमें आज हम लेंगे कार्ड सीरीज जो हमने फर्स्ट के लिए हमने लिया है। ये कार्ड, ये बहुत ही सिंपल सा कार्ड मैंने रखा है एंड ये फिर मैंने ओल्ड चार्ट से जो बनाए हैं सारे, क्योंकि उसका जो है थिक मटेरियल था, दैट्स वाई। एंड ये देखो, यहाँ पे मैंने दो हार्ट्स भी कट किए, मुझे थोड़ा हार्ट वे में चाहिए था, फिर जैसे मुझे ज़्यादा वैसे तो हुआ नहीं, लेकिन ये कुछ एक न्यू भी बन के आया, पर जो आउटकम आया वो भी बहुत बहुत अच्छा आया है। फिर मैंने इस पर भी एक डेकोरेटिव स्टिकर लगा दिया, यू एंड मी, थोड़ा रोमांटिक वे में, एंड एक अब रिबन टाई कर देंगे एंड हम लगा देंगे इसे फर्स्ट पेज पर। ऊपर मैंने जो है थोड़ा सा गैप छोड़ा फॉर द हेडिंग। अब मैंने यहाँ पे जो है ये कुछ नॉर्मल अपना जो पेन है उससे कट आउट करके वाइट पेपर पे, फिर उसे गोल्डन शीट पे मैंने उसे स्टिक किया था एंड देन कट किए थे एंड फिर यहाँ पे स्टिक कर दिया। एंड यहाँ बाहर भी मैंने एक ब्यूटीफुल सा स्टिकर लगा दिया एंड ऊपर भी मैं हर एक पेज पे एक हेडिंग ऐड करती जाऊँगी। एंड फिर अब देख, ये है हमारा सेकेंड कार्ड जिसके लिए मैंने एक ये पेपर लेके बस थोड़े से कॉर्नर्स फोल्ड कर दिए हैं एंड अब हम इनको करेंगे क्रीज एंड इट्स डन। ये क्रीज हेल्प करता है बहुत, आप विदाउट इसके भी कर सकते हैं, पर जो इसके साथ करने में जो फिनिशिंग आती है ना वो बहुत अलग आती है। पहले मैं सोच रही थी कि नीचे लगाऊं, फिर मैंने सोचा कि नीचे अच्छा लग रहा है या मिड में, तो मिड में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, दैट्स वाई पुट इन अ मिड लाइक दिस। एंड आप इसमें अपने कार्ड फोटोज ऐसे डाल सकते हैं एंड इस पर भी मैंने लगा दिए कुछ स्टिकर्स एंड एक मुझे लव वाला भी थोड़ा, मतलब ये एम्पटी लग रहा था तो दैट्स वाई मेरे को एक ये स्टिकर भी मैंने स्टिक कर दिया। एंड ये स्टिकर्स भी मैंने ऑनलाइन जो है मतलब प्रिंट आउट निकलवाए थे, नॉर्मल पेपर पर आप स्टिक करोगे तो वो वही बन जाएंगे, तो हार्ड पेपर की जरूरत ही नहीं है। एंड अब ये कार्ड, इसके लिए मैंने जो है ये टू इनको लिया एंड हाफ ऑफ करके फोल्ड कर दिया। पहले मैं इनको सोचती थी कि सेम वे में स्टिक करूँ, बट फिर मैंने इनको भी अपोजिट वे में स्टिक कर दिया लाइक दिस एंड इट्स डन। हमारा थर्ड पेज भी डन हो गया, थोड़ा और डेकोरेट कर दिया एंड लगा दिए हैं ब्यूटीफुल स्टिकर्स एंड ऐड सेंटीमेंट्स एंड इट्स ओपन लाइक दिस। इसमें मैं फोर फोटोज लगाऊंगी। नाउ दिस पेज, इसके लिए मैंने ये कुछ और पेपर्स लिए हैं, सारी मेजरमेंट आपको जो है ऊपर गिवन है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये तीनों जो है इक्वल मेजरमेंट के हैं, कर देंगे स्टिक लाइक दिस एंड मैंने ऑल्सो जो है मैसेज भी ऐड कर दिया है अपना एंड हम इन पर पिक आप अंदर भी लगा सकते हैं बाहर। एंड अब ये वाला एक कार्ड, इसमें मैं फाइव फोटोज लगानी थी मेरे को, तो फाइव फोटोज के लिए मेरे को यही कार्ड अच्छा लगा, तो दैट्स वाई दिस कार्ड लाइक दिस। एंड फिर से ऊपर मैंने एक मैसेज भी ऐड, मैंने हर एक में किया है कुछ कुछ, उन्होंने सीक्रेट रखने को लाइक होता है एक वो, तो इसके आगे का मैं बाद में लिखूंगी, दैट्स वाई मैंने थोड़ा कॉर्नर पे एंड थोड़ा और ऊपर कैप छोड़ा है। एंड अब नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट कार्ड पे हमने लिया है फिर से वाइट। मैं यहाँ पे जो है बेसिक लाइक वाइट रख रही हूँ क्योंकि मैं आप बाद में डेकोरेटिव उस पर पेपर वगैरह लगा के या उसे ऐसे भी रख के और फिर फोटोज स्टिक होंगे तो वो एक अच्छा आउटकम आए। आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद कौन सेवन, ये सारी मेजरमेंट आपको ऊपर गिवन है ही, क्रीज कर रहे हैं लाइन को लाइक दिस। एंड इसको बनाने में एल्बम हो, स्क्रैपबुक को बनाने में जो लाइक अपनी मेमोरीज या किसी और के लिए हम कुछ स्पेशल चीज बनाते हैं तो लाइक जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, लाइक कि हम किसी की ब्यूटीफुल मेमोरीज कैप्चर आइटम बना रहे हैं। एंड यार मेरे को अपने हाथ से ही ऑब्सेशन हो रहा है, कितने सुंदर लग रहे हैं यार। ये कार्ड जो है मैंने ये बनाया एंड ये इजी है बनाना उतना ही, अगर आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो आप इसे, मैंने इसलिए स्लो रखा है थोड़ा क्योंकि ये न्यू कार्ड है, दैट्स व्हाई। ये देख लीजिए, ये zigzag में हमें इसे फोल्ड करना है एंड आप बस जो हमने तीनों आइटम क्रिएट किए हैं तीनों कार्ड्स, इनको आपस में स्टिक कर देंगे। जो ये एक पैटर्न है इसको हम ऐसे जो इसके एंड में स्टिक करेंगे लाइक दिस, अच्छे से स्टिक कर देंगे। इससे जो है जैसे नॉर्मल ग्लू होता है वो जल्दी से वो नहीं होता, लेकिन अगर हम उसके ऊपर कुछ ऐसे स्केल हो या फिर कुछ वैसे चीज इसके ऊपर एक बार फेर देना तो वो हार्ड हो जाती है। अब हम जो है इसको जहाँ पे वो एंड हो रहा है ना उसके बिल्कुल एंड में स्टिक करेंगे इसको एंड बस। अब इन सब को हम साथ में स्टिक कर देंगे, फ्लैप्स को भी बंद कर देंगे लाइक
दिस एंड इट्स डन एंड इट वर्क लाइक दिस। कॉर्नर्स थोड़े मुझे ऐसा ही लग रहा था, तो मैंने इसके कॉर्नर्स भी राउंड किए हैं, ऐसे नहीं होते तो मैंने ओपन करके किए हैं एंड इट्स डन। अब हम कर देंगे इसे स्टिक लाइक दिस। थोड़ा इसे और मैंने डेकोरेट भी कर दिया है इन द सेंटिमेंट, ब्यूटिफुल। एंड इसके हम पीछे भी जो है पिक लगा सकते हैं, लाइक दो तो यहाँ पे लग जाएंगी एंड एक पीछे भी लगा सकते हैं। मैंने इसको तीन पिक का ही कार्ड बनाया था। कैसा लगा ये कार्ड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलते हैं आगे। अब है हम नेक्स्ट पेज पे, हम बनाएंगे एक और न्यू कार्ड, जिसके लिए मैंने एक ये पीस ऑफ पेपर ले लिया है। एंड अब जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत इजी हैं इनको हम आप मैंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, इसको हाफ फोल्ड किया, फिर एक एक सेंटीमीटर के साइड में भी लाइन की है एंड फिर 3 सेंटीमीटर मतलब नीचे से एंड 2 सेंटीमीटर ऊपर से कैप छोड़ के एक मार्क किया। फिर हम एक ऐसे ट्राइंगुलर ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा जो हमने 1 सेंटीमीटर लाइन क्लिक मतलब खींची है उससे थोड़ा सा गैप रख के, फिर हम जो सारी लाइनें जो है इनको कर लेंगे क्रीज। बट जो फिर हम इनको कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे, जो ट्राइंगुलर है वो अंदर की तरफ फोल्ड होना चाहिए लाइक दिस एंड इट वर्क लाइक दिस। अब हम जो है ये मैंने मेजरमेंट लिए 7x14 का कार्ड है, ये है 10x20 का जिसको हमने हाफ फोल्ड किया है एंड इसकी मेजरमेंट तो आपको। फिर हम जो ये कॉर्नर है बिल्कुल इस पर स्टिक करेंगे एंड इसको इसको बिल्कुल जैसे जो ओपन हो हम ऐसे अच्छे से स्टिक करेंगे लाइक दिस। पहले मैंने थोड़े दूर दूर स्टिक किए थे, फिर ओपन नहीं हुआ तो मैंने थोड़े और ये नज़दीक लाइक स्टिक कर दिया जैसे कि ओपन हो सके इजीली। बस अब हम इसको स्टिक कर देंगे एंड एक ये ओपनर भी जिसे हम अपने हर कार्ड में लगाते हैं, इसमें भी एक स्ट्रिप कट करेंगे एंड लगा देंगे इसमें भी डबल साइड टेप की मदद से ताकि ये ओपन हो सके एंड इट स्टिक लाइक दिस ओपन। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताती हूँ, लाइक ओपन होने में कई बार हमारा जो है ये कागज़ फट जाए तो हम इस पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई कर देंगे ना, और ड्राई होने के बाद तो ये इट वर्क लाइक अ क्लियर थिंग, लाइक क्लियर दिखेगा भी नहीं एंड हमारा ये करेंगे। अब मैंने सेम जो नेल पेंट है वो ऊपर भी अप्लाई कर दी थी, प्रिंट जो डेकोरेटिव आइटम था उसके ऊपर। अब हम करेंगे इसके आगे का पार्ट एंड इसके ऊपर मैंने सेंटीमेंट लिखा था गिफ्ट टाइप। नेक्स्ट में हम लेंगे ये पीस ऑफ पेपर्स 20x10 सेंटीमीटर, आप में करेंगे मार्क एंड क्रीज करेंगे लाइन को, फोल्ड कर देंगे एंड इट्स डन। आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो है अपने हाथ कितनी या फिर ड्रेसेस कलर टी शर्ट के लिए चेंज किया है, क्योंकि मेरे से एक दिन में 2 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ इसको, मेरे को लिटरली एक हफ्ता लगा क्योंकि मुझे डेली के शॉर्ट्स भी बनाने थे और भी वीडियोस बनानी थी एंड साथ साथ मुझे ये काम भी करना था, अपनी स्टडीज भी करनी थी एंड पता नहीं क्या क्या। बट इसको बनाने में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली थी सॉरी। एंड कार्ड तो ये है इजी, इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। इट्स अ टर्न, इट्स अ ट्विस्ट पॉपअप कार्ड लाइक एंड इसके मैंने जो है शॉर्ट वीडियो भी एक बना रखा है अलग से डिफरेंट में, आप उसको भी जाके देख सकते हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। बट ये है इजी एंड आप हो ही मेरे समझदार क्राफ्टर्स एंड आप कर सकते हो। एंड इट्स ये जो हमारा मैकेनिज्म टाइप है, जो हमारे कोई भी कार्ड होते हैं ना उसमें एक मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसको हम जो ये मैकेनिज्म बनाते हैं उसी से हमारा जो कार्ड है वो ओपन और क्लोज वाला सिस्टम होता है। एंड इसको हम करेंगे एकदम मिड में स्टिक लाइक दिस एंड अब हम जो उसमें जो बीच की लाइन थी उसकी लाइन के बीच में हम जो अपना वो फोर वाला कार्ड है उसको स्टिक करेंगे, बट 2 कॉर्नर से, लाइक एक को हम ऊपर से करेंगे तो दूसरे को हम नीचे से करेंगे लाइक दिस एंड अब इसको करेंगे फोल्ड लाइक दिस स्लोली स्लोली। एक दो बार में दिक्कत आएगी फिर ये यूज हो जाएगा तो हमें करना नहीं पड़ेगा लाइक दिस। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर कर दिया, अभी ओपन वे में रहता तो मैंने इसमें स्टिक इसके साथ आप रिबन या फिर आप जैसे ये हमारा फेवरेट ओपनर आप स्टिक कर सकते हैं एंड इट्स डन। अब हम कर देंगे साथ में सभी को स्टिक एंड ये जो कार्ड है उनको सबसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज इट्स लाइक आप खोलोगे तो एकदम पॉपअप वाली फीलिंग आएगी एंड पॉपअप वाला अच्छा लगता है। फिर मैंने इसको जो है राउंड में थोड़ा कट कर दिया थोड़ा सा यूनिक देने के लिए एंड अब हम करेंगे नेक्स्ट आगे हम लास्ट पेन। इसको बनाते हुए ना उनको सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि हम तो धीरे धीरे लास्ट में आ रहे थे, धीरे धीरे इसको नहीं आगे भी। अब मैंने इसमें जो है थोड़ा सिंपल भी में रखा है, एक
पीस लिया, उसको ट्रायंगल में कट किया। मैं उसको भी सिंपल तो नहीं रख सकती, मैंने यहाँ पर अपने डिजाइनर सीजर का यूज़ किया और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने आगे ही पेंसिल से वो किया, दूसरी साइड नहीं किया। हाउ डम आई एम। अब जो है इसका मैं डायरेक्ट स्टिक कर रही थी तो लाइक जो इसमें डालती हूँ वो अच्छे से नहीं रुकता, तो मैंने यहाँ पे जो है ये 1-1 सेंटीमीटर के 4 स्ट्रिप्स कट किए, आई मीन 2 स्ट्रिप कट किया है, 1-1 सेंटीमीटर को हाफ फोल्ड किया लाइक दिस। अब जो है हम इसको जो है इसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं इस पर स्टिक कर देंगे, चॉप कर देंगे, जो कि इसमें भी ट्राइंगुलर है एंड स्टिक करने में भी ईजी रहेगा। इसको हम करेंगे लाइक दिस, इसको एक बार ऊपर नीचे ऐसा स्टिक करेंगे तो हम कुछ भी अंदर डालेंगे, फोटो वगैरह एक दो चीज़ हम ईजिली डाल सकते हैं। एंड हम बस इनको साथ में सभी कुछ कर देंगे स्टिक लाइक दिस। बनाना इज लाइक सो सेटिस्फाइंग, आई एम नॉट टेल यू, आई कांट टेल यू यार कितना मज़ा आया। नेक्स्ट अब हम इसमें लेंगे, हम बनाएंगे इसमें 10x16 का पेपर लेंगे, इसको भी हाफ, पहले हम इसको हाफ फोल्ड करेंगे चारों तरफ से। यहाँ पे बना रही हूँ एक ब्यूटीफुल सा कॉर्नर कार्ड, चारों पे हम कॉर्नर इसके ना फिर एक डायगनली मार्क करेंगे लाइक दिस, एंड फिर हम एक जो है इसको कट कर देंगे एंड इसको हम ऐसे स्टिक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हम ये कॉर्नर कार्ड बना रहे हो जिसके लिए मेरे को सिर्फ 3 साइड्स की ज़रूरत है। हम इसको स्टिक करेंगे कुछ ऐसे एंड फोल्ड करने में हेल्प करेगा ऐसे लाइक दिस, स्टिक एंड फोल्ड ऐसे लाइक दिस एंड इट्स डन। अब हम इसको स्टिक कर देंगे नीचे की तरफ से, इस पे मैं यहाँ पे प्रिंटेड पेपर्स भी स्टिक कर रही हूँ, इसको भी हम हाफ पे स्टिक करेंगे। अगर आप फुल पे स्टिक कर रहे तो उस पे भी आपको लाइन क्रीज करनी पड़ेगी, फिर वो एक गंदा लुक देगा, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो हाफ पे ही स्टिक किया है एंड इट्स डन। अब हम बाहर भी स्टिक कर देंगे, आप इसे ऐसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। अब हम कर देंगे इसे स्टिक, ये भी थोड़ा ओपन हो रहा था बट फिर अगर लगा कि इतने से में तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा प्रेस वेस करनी तो हो जाएगा। एंड फाइनली द लास्ट लास्ट में मैंने एक मैसेज बनाया, मतलब मैसेज एम्वलप कह सकते हैं हम जब मैसेज रखने का, क्योंकि इस पर मेरे को जो है कपल ने बोला था लाइक इम्पोर्टेंट डेट्स का भी कुछ बनाना, हमें इम्पोर्टेंट डेट्स अपने जो स्पेशल डेज है वो भी ऐड करने, तो मेरे को लगा इसमें हम लाइक लिख के मैसेज एंड इस पर टकिंग कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली स्पेशल ओकेजन्स तो बढ़ते रहेंगे, तो दैट्स व्हाई आई यूज दिस आइडिया लाइक दिस। डेकोरेट कर दिया एंड अब हम कर देंगे स्टिक विद द हेल्प ऑफ टेप, बट फिर मेरे को ग्लू ठीक लगा एंड टेप भी मैंने कॉर्नर्स पे टेप लगाई थी, बीच में ग्लू लगाया एंड इट्स डन। एंड ऊपर मैसेज डेट ऐड कर दिया इम्पोर्टेंट डेट्स का, डबल साइड टेप लगा दी ओपनिंग के लिए एंड ऑल्सो द नेल पेंट, बट फुल द हैक। ये हमारे कार्ड्स, इसमें मैंने फिलहाल तो दो ही इंसर्ट किया, दो या तीन जितने चाहो आप, ऐसे में फोटोज भी इंसर्ट ऐड कर सकते हो एंड इट्स डन फाइनली। अब हम देखते हैं दिस इज द शिको वन एंड ये यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट पिक्चर्स ऐड करूँगी, मैंने यहाँ पे कोई कार्ड नहीं रखा, ये देख सकते हैं वर्क लाइक दिस, एक फुल रिव्यू देख रहे हैं इस पे भी एंड ये एंड साइड में भी आप देख सकते हैं ये हार्ट जो दिख रहे हैं रेड रेड थोड़े थोड़े, ये भी मैंने ओपनिंग मतलब जो बीच में रखे हैं वो है लाइक ये। अगेन नेक्स्ट कार्ड, दिस इज द नेक्स्ट, मैंने जितना हो सका उतना यूनिक रखने की कोशिश की है, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा फोटोज एंड मेमोरी कैप्चर करने की कोशिश की है, फिर भी आपको अगर कोई कमी या फिर प्लस माइनस पॉइंट कोई लगता है तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना आपका बेस्ट पार्ट, बेस्ट कार्ड, बेस्ट थिंग, वट एवर यू लाइक एंड वट एवर यू डोंट लाइक, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर उस हिसाब से मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट और करूँगी। एंड दिस इज़ आवर फेवरेट, मेरे को इनमें सबसे ज़्यादा वैसे तो क्यूट कार्ड जैसे मेरे को सारे ही लगे, लेकिन मेरे को जो फर्स्ट वाला था ना वो सबसे लाइक यू एंड मी वाला जो सेंटीमेंट ऐड हुआ है ना उससे वो ना उसकी जो खुश मतलब ब्यूटीफुल में चार चांद और लग गए हैं। एंड इसमें जो है मैंने मैक्सिमम कार्ड अपने जो फोटोज लाइक 2 फोटोज 3 फोटोज आई टोल्ड यू अर्लियर इन माई शॉर्ट वीडियो मैंने इसी वे में रखा है
लाइक इसमें मुझे चार फोटोज़ ऐड करने थे, तो चार फोटोज़ का कार्ड। यहाँ पे मेरे को दो तीन ऐड करने थे, तो यहाँ पे मैंने ये बनाया है, ऐसे फोटोज़ हम ऐड करेंगे। इसमें कॉर्नर कार्ड, इसमें मुझे तीन फोटोज़ ऐड करने थे एंड इट्स डन। एंड ऊपर एक मैंने क्यूट पांडा भी ऐड किया है, एंड ये इम्पोर्टेंट डेट्स का। एंड मैंने जो ये इस साइड है, इस साइड भी बस एक सिंपल सा जो फोटो है वो ऐड की थी लास्ट में। रिबन टाई कर देंगे, देख सकते हैं अभी कितनी क्यूट मिनी सी लग रही है। एंड दिस इज द फाइनल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।